वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सेक। आज हम करेले की सूखी सब्जी बनाए हैं। जो लोग करेले के कड़वाहट के वजह से खाना नहीं पसंद करते हैं, आप इस तरह सब्जी बनाइए, ज़रूर पसंद करेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारे पास 250 ग्राम करेली है। करेली के हम दोनों टॉप को कट करेंगे और उसके ऊपर के स्किन को हम हल्का हल्का छील लेंगे। करेली को हम डीपली नहीं छीलेंगे, सिर्फ ऊपर की स्किन को ही हल्का छीलेंगे। आप चाहें तो चाकू के सहायता से भी इनको छील सकते हैं। बहुत लोग करेली को छीलना नहीं पसंद करते हैं। आप इस सब्जी को बिना छीले भी बना सकते हैं, तब भी इसका कड़वाहट कम होगा। छीलने के बाद करेली को हम पतला पतला काटेंगे। करेली जितना पतला कटा रहता है उतना ही जल्दी कुक होता है और क्रिस्पी बनता है। इस तरह हम करेली को पतले टुकड़ों में काट लिए हैं। इसके ऊपर हम आधा चम्मच नमक छिड़केंगे। नमक छिड़कने के बाद हम नमक को अच्छी तरीके से करेली में चारों तरफ से मिला देंगे और मिलाने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए हम रख देंगे। करेली में नमक डालने की वजह से कुछ देर रखने के बाद हम देखेंगे कि इसमें काफ़ी मॉइस्चर हो गया है। करेली को हम अपने हाथों से अच्छी तरीके से दाब कर इसमें का एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे और निकाल कर हम प्लेट में रख लेते हैं। करेली में नमक डालने की वजह से इसमें पानी छूटता है। पानी को हम जितना अच्छी तरीके से अपने हाथों से निचोड़ कर करेली को अलग कर लेंगे, उतना ही इसका कड़वाहट कम होता है। जब भी आपको करेली बनाना हो, आप सबसे पहले करेली को काटने के बाद इस पर नमक छिड़क कर ज़रूर रख दें और इस तरीके से निचोड़ कर निकालने से इसका कड़वाहट काफ़ी कम हो जाता है। करेली में से इतना पानी निकला है, करेली को हम फिर दो पानी वॉश करेंगे। इसमें डालने के लिए हम दो मीडियम प्याज लिए हैं। प्याज को हम बारीक लंबे टुकड़ों में काटेंगे। प्याज को हम काट लिए हैं, इसमें ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। करेली को हम दो पानी धुल कर इनको फिर से पानी में से अच्छी तरीके से निचोड़ कर हम निकाल लिए हैं। सब्जी बनाने के लिए हम एक पैन में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल लेंगे। ऑयल जब हीट हो जाएगा तो उसमें हम करेली को डाल देंगे और हाई फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट लगातार भूनते हैं। कुछ देर भूनने के बाद करेली का कलर चेंज हो जाता है और यह हल्का ब्राउन कलर में हो जाता है। तब इसमें हम कटे हुए प्याज को डालेंगे और इसको भी हम 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर भूनेंगे। हमारे पास 50 ग्राम दही है, यह ताज़ा दही है। इस दही में हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्चा पाउडर। आप चाहें तो बिना मिर्चा का भी यह सब्जी बना सकते हैं। और इसमें हम कुटा हुआ खड़ा जीरा डालेंगे और कुटा हुआ सौंफ डालेंगे और इन सबको हम दही में अच्छी तरीके से मिक्स करके दही को हम फेंट कर स्मूथ बना लेंगे और इसको हम रख देंगे। आप दही के साथ कई सब्जियों को बनाए होंगे, आज हम दही के साथ करेली को बनाएंगे। आइए देखते हैं कि यह टेस्ट में कैसा लगेगा। इधर हमारा करेली और प्याज भूनकर तैयार हो गया है, यह अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं। तब इसमें हम दही के पेस्ट को डालेंगे। नमक डालने की वजह से करेली हमारा काफ़ी नरम हो जाता है, यह जल्दी कुक हो जाता है। आँच हमारा धीमा रहेगा, धीमा आँच पर हम दही को डाल देंगे और इनको हम लगातार चलाते रहते हैं। जब तक दही हमारे करेली में अब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक इनको हम चलाते रहते हैं। अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो इसमें डला हुआ दही फट जाएगा। कुछ देर चलाने के बाद दही करेली में अब्जॉर्ब हो गया है।
और इसमें से पानी छूटने लगता है। इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और नमक को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। नमक और दही डालने के बाद करेली में एक बार पानी छूटता है, इसको हम हाई फ्लेम पर भूनकर ड्राई करेंगे। कुछ देर भूनने के बाद करेली हमारा ड्राई हो गया है और करेली में से ऑयल दिखने लगा है। इनको हम जितना अच्छा से भूनेंगे उतना ही इसका एक अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह करेली का एक सूखा सब्जी हमारा बनके तैयार हो गया है। इस करेली को कुक करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और इस तरीके से पकाने में इसका कड़वाहट भी काफ़ी कम होता है। आप इस तरह सब्जी बनाइए। जो लोग करेली नहीं खाना पसंद करेंगे वह ज़रूर खाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।